तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव के आखिरी चरण के लिए कल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और झारखंड के संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें राजमहल, गोड्डा और दुमका में वोटिंग होनी है। मतदान के लिए मतदान कर्मियों को भेजने का काम जारी है। वहीं मतदान कर्मी ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कल वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के तहत देश भर की 57 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो कल संपन्न हो जाएगी। उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी और चुनाव के परिणाम आएंगे। झारखंड की 3 सीट हैं, बिहार की 8 सीटें ऐसी हैं जहां कल आखिरी चरण के तहत वोट डाले जाएंगे और मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। तमाम ईवीएम, वीवीपैट और तमाम चुनाव से संबंधित सामग्री को लेकर उन्हें रवाना किया जा रहा है। दो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान